जनपद मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा ग्राम सुरजन नगर निवासी एक युवती ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक और उसके साथियों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देते हुए कार्यवाही की मांग की है। युवती का आरोप है कि उसके ही गांव का रहने वाला युवक अनुज निवासी सुरजन नगर उसके व उसकी छोटी बहन के साथ आए दिन आपत्तिजनक हरकतें करता है। इतना ही नहीं, मोबाइल पर अश्लील मैसेज भी भेजकर परेशान करता है। इस संबंध में जब युवती और उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो आरोपी के अनुज ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती के भाई हिमांशु के साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। इस संबंध में ठाकुर द्वारा थाने पर शिकायत भी दर्ज कराई गई। आरोप है कि थाने पर कोई सुनवाई नहीं हुई। आरोपी पक्ष के लोग लगातार समझौते का दबाव बना रहे हैं, लेकिन युवती कार्यवाही की बात पर अड़ी हुई है। इसके बाद युवती ने अपने परिवार के साथ एसएसपी कार्यालय पहुंचकर आरोपी युवक अनुज और उसके साथियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। युवती द्वारा बताया गया कि एसएसपी ने भी कार्यवाही का पूरा पूरा आश्वासन दिया है। क्या घटना हुई आपके साथ? सर 6 साल वो बहुत परेशान करते थे घर पे आके। तो पहले छोटी बहन को मुझे बहुत परेशान करते थे। घर पे कोई नहीं था, मैं थी खाली और मेरा भाई, और आके बहुत सारे ने परेशान करने लगे, बोलने लगे, दम दुसंदा बोलने लगे आके। किस तरह की छेड़छाड़ की जाती थी आपके साथ? हाथ पाथ पकड़ लेते, वो कहते थे कि तेरी बहन का छोटी वाली का बहुत ही ज्यादा परेशान कर रखा है उन लोगों ने। कौन लोग हैं? साथ में एक अनुज और पता नहीं कोई 3-4 जने थे वो साथ में उनके। कहाँ रहते हैं वो? सुरजने घर घर के पास में रहते हैं। सामने शिकायत पुलिस से की थी आपने? हाँ सर की थी। वो फैसले फैसले को बोल रहे बार बार। कब कॉल उठा रहे थे? ठाकुर द्वारा। आज किसके पास आए आप? आज हम एसएससी के सर के पास आए हैं। एसएससी के पास उनसे मदद मांगने के बुलाए, क्योंकि बार बार वो फैसले को बोल रहे हैं, सुनी नहीं रहे हमारी किसी की भी। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम कार्रवाई करना चाहते हैं। वो कौन कौन लोग हैं वो नाम बताइए? सभी तो हम ही हैं सर। नहीं वो लोग कौन है जो छेड़छाड़ करते हैं आपके साथ? एक अनुज है और अज्ञात, उनका नाम नहीं पता, उनके साथ में थे।